हाय एवरीवन दिस इज़ वाने का आज का टॉपिक है हमारा 45 बटरफ्लाई स्पीशीज़ जो हैं वो महाराष्ट्र में एक लोकेलेटी से मिली हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेक एफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ स्टडी आई के पास कोर्सेज अवेलेबल हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र एस एस सी महाराष्ट्र टी ई टी महाराष्ट्र जी के स्मार्ट कोर्सेज आपके ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं अब देखिए ये लोकेलिटी है प्रोनाशिएशन देखिए करघार लोकेलिटी या खारघर लोकेलिटी जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे एक यंग नेचुरलिस्ट हैं रिसर्चर हैं तारंग सारन इस एरिया से उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया देखी 45 फाइव स्पीशीज़ बटरफ्लाइज़ की तो बटरफ्लाइज जैसे भी सबको बहुत खूबसूरत लगती हैं और बहुत सारे आ, स्टेट्स में अभी स्टेट बटरफ्लाई भी अनाउंस की गई हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ पे अब चार स्पीशीज जो बटरफ्लाईज की हैं यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं जो जितने भी इन्होंने 45 डॉक्यूमेंट की उनमें से चार स्पीशीज बटरफ्लाई की ऐसी थी जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज थी स्केड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे कमिंग स्लाइड्स में Uh, देखिए जब भी हम ये स्पीशीज़ अलग अलग जगह पे डॉक्यूमेंट करते हैं या अलग अलग जगह से ऐसी न्यूज़ आती है ये हमको दिखाता है कि हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है कितना फ्लोराफाउना है हमको इनको प्रोटेक्ट करके रखना है और यहाँ पे ये भी स्कोप है कि अभी हम और भी स्पीशीज़ डिस्कवर कर सकते हैं अब इस एरिया में बहुत सारे बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैं वेटलैंड्स में प्लेन्स में हिल्स में इनमें से चार जो थी वो मैंने आपको बताई ये उन्होंने बोला कि जो ऑब्जर्व किया उन्होंने जिन्होंने डॉक्यूमेंट की है जिस ने चार तो आपकी प्रोटेक्टेड स्पीशीज ही थी चार प्रोटेक्टेड बटरफ बटरफ्लाई की जो तो स्पीशीज थी वो कौन सी थी साहेद्री प्लेन पफन साहिद्री ब्लू ओकलीफ ग्राम ब्लू एग फ्लाई और पहली दो जो हैं वो सहयद्री क्योंकि नाम ही उनका वहां से है, तो आप जान सकते हैं कि वो सहयद्री वाले रीजन में ही मिलती हैं और बाकी की जो दो हैं बाकी देश के पार्ट्स में हमारे मिलती हैं देश के दूसरे हिस्सों में भी पाई जाती हैं कुछ कॉमन वेराइटीज़ भी उन्होंने देखी जिसमें कॉमन ग्रास येलो लाइम ब्लू फ्लाई कॉमन कैस्ट प्लेन टाइगर कॉमन मॉर्मन और इस तरह की बाकी बटरफ्लाई भी उनको दिखी देखिए ये जो एरिया है आपका नावी मुंबई वाला या साहिद्री वाला एक पैराडाइज माना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है साहिद्री प्लेन पफिन जैसे मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है साहिद्री रेंज में ही मिलती है येलो एंड व्हाइट कलर में सायद्री ब्लू ओक लीफ जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज अगेन सायद्रीज में ही मिलती है और ये आपको आप इसको देखेंगे आपको ऐसे लगेगा कि सूखा हुआ पत्ता है ड्राई लीफ जैसा दिखेगा जब आप गार्डन में इसको देखोगे वो एक कैमोफ्लैज हो गया प्रिडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लाज क्या होता है कि अपना कलर आप तो, इनका देखोगे कि सराउंडिंग से मिलता है कैमोफ्लाज करता है ताकि ये अपने जो इनको शिका जो एनिमल्स इनको खाते हैं प्रिडेटर्स हैं उनसे ये बच सकें थर्ड आपकी ग्राम ब्लू आ गई ग्राम ये छोटी सी बटरफ्लाई है और डैनियड एग फ्लाई जो है ये वेटलैंड्स में वुडलैंड्स में ओपन एरियाज में आपको मिलेगी विंग्स पैन इसका फिफ्टी फाइव टू 90 एम mm एम वाइड आपको इसका विंग्स जब फैलाएगी तो पूरा दिखेगा तो ये चार प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं जो मिली हैं बटरफ्लाई किसी भी इकोसिस्टम में जब हमको मिलती है तो वो दिखाता है कि उस एरिया का इन्वायरमेंट बहुत ही हेल्दी है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन बटरफ्लाईज का और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं अगर ये नहीं होंगी तो कितने सारे स्पीशीज़ का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो दे शो अल्दी इन्वायरमेंट ये लिखा नीचे, है नीचे पॉलिनेटिंग द वेजिटेशन पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं इको का पार्ट हैं बहुत सारी रेयर बटरफ्लाईज भी आपको इस एरिया में मिलेंगी जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं नॉर्मल थोड़ा सा हम बटरफ्लाई के बारे में जान लेते हैं बटरफ्लाई एडल्ट फ्लाइंग स्टेज है इंसेक्ट्स की ठीक है एक ये इंसेक्ट्स की कुछ इंसेक्ट्स की एडल्ट स्टेज है किस ग्रुप से बिलोंग करती है इनकी अगर आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखेंगे Lepidotera, इस ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं मॉथ अब देखेंगे आपको जो लोग ज्यादा बायो नहीं जानते उनको बटरफ्लाई और मॉथ को देखेंगे तो आप शायद दोनों को एक ही समझेंगे तो moths भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज किस में आती हैं इंसेक्ट में तीन मेन पार्ट होते हैं इनके एक तो इनका हेड रहता है फिर ये थोरैक्स रीजन रहता है और एब्डोमेन रहता है और बाकी इनके आ गए विंग्स बटरफ्लाईस के तीन यूजुअली तीन पेयर ऑफ लेग्स इनका रहता है दो एंटीने आपको इस तरीके से दिखेंगे और ये अपने एंटीने से ही स्मेल करती हैं दो विंग्स इनके रहेंगे जिनमें स्केल्स होंगे और समटाइम्स प्रीडेटर्स को फूल करने के लिए जैसे कैमोफ्लाज की बात की थी कि एक बटरफ्लाई आपकी ड्राई लीफ जैसी दिखती है ऐसा लगता है सूखा हुआ पत्ता पड़ पड़ा हुआ है तो प्रीडेटर्स को फूल करने बुद्धू बनाने के काम आती है और लाइफ साइकिल क्या होगी कि एक पत्ते पे जैसे एक एडल्ट बटरफ्लाई ने एग्स दिए ठीक है फिर ये हैच होके ये जो छोटे छोटे लारवा बनेंगे या कैटरपिलर्स बनेंगे ठीक है इस तरीके से ये कैटरपिलर बनेगा ये भी आपने कभी कभी देखा होगा जो कि लीव्स पे फीड करता है लीव्स को खाएगा अपसाइड डाउन ऐसे लटका रहेगा प्यूपा आ, बन के प्यूपा बन जाएगा फिर ये प्यूपा वाला स्टेज आएगा अपसाइड डाउन वाला कि ऐसे ये पत्ते के साथ या ब्रांच के साथ लटका होगा यहाँ पे मेटामोरफोसिस होगा और फिर आपको दिखेगी एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बनते हुए एडल्ट बटरफ्लाई जो फाइनली फिर से एग्स देगी और ये इनका लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की अब मैंने आपको बताया कि मॉथ और बटरफ्लाई में बहुत लोग डिफरेंस नहीं कर पाते यूजली एक चीज़ देखा जाता है कि बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल और सुंदर होती है मॉथ्स थोड़े से डल कलर्स में आपको दिखेंगे बट ये सिर्फ ओनली क्राइटेरिया नहीं है बिकॉज इस तरह के मॉथ्स भी होते हैं ये दोनों इंसेक्ट्स ही हैं जो कलर्ड होते हैं बटरफ्लाई यूजअली क्लब्ड एंटीना होता है इनका मॉथ्स का फेदरी एंटीना होता है बटरफ्लाईज एक्टिव होती हैं दिन के समय लेकिन मॉथ यूज़ुअली नॉक्टर्नल हैं जो डे टाइम एक्टिव होते हैं उनको हम डायवर्नल बोलते हैं जो नाइट टाइम एक्टिव होते हैं मॉथ्स उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं ठीक है अब बटरफ्लाई रेस्ट करेगी तो अपने विंग्स विंग्स जो उसके पंख हैं उनको थोड़ा अपराइट अपनी बॉडी के ऊपर रखेगी लेकिन मॉथ्स पूरा फैला के रखेंगे बटरफ्लाइज जो हैं वो ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड है लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कुछ मॉथ्स भी कलर्ड होते हैं सो दैट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया बट आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए इसका क्लब्ड एंटीना है बटरफ्लाई का और यहाँ पर आप फेदरी एंटीना इनका देख सकते हैं आ, बाकी काफी चीजें इनकी मिलती जुलती हैं जिस तरह से हेड हो गया थोराक्स रीजन हो गया एबडमन हो गया वेन्स हो गई तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों को अब जैसे मैंने बात की थी कि चार स्पीशीज जो इन्होंने डॉक्यूमेंट की वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड स्पीशीज थी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है हमारे देश का ये हमारे देश के वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन देता है ताकि उनको इन्वामेंट और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिले यानी उनके खिलाफ जैसे किलिंग्स होती हैं पोचिंग होती है हंटिंग होती, होती है या किस भी किसी भी इस तरह का काम जिससे प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को नुकसान हो उसके खिलाफ हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बाकी चीज़ों में यहाँ पे जो इसमें एनिमल्स आएंगे उनकी हंटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी इस एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की थी 2006 में लास्ट uh, अमेंडमेंट तभी हुई थी फिर 2013 में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ अब इस एक्ट के अंदर कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू जो कि वाइल्ड लाइफ विंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं उनको और बाकी इस तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स वाइल्ड लाइफ वार्डन्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में चुन सकते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इससे रिलेटेड हैं आर्टिकल फोर्टी एट ए कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे स्टेट को ये हिदायत देता है डायरेक्ट करता है इरादा ताकि हम अपने स्टेट की इन्वामेंट को इम्प्रूव करने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एनिमल्स को बचाने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि उसकी ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट करना है इस आर्टिकल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में आर्टिकल फिफ्टी वन ए आता है यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है कुछ काम करने की जैसे प्रोटेक्ट करना नेचुरल इन्वायरमेंट को नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके फॉरेस्ट आ गया लेक्स आ गया रिवर्स आ गया वाइल्ड लाइफ आ गया और लिविंग क्रिएचर्स की तरह थोड़ा कंपैशन यानी कि आप उनको हंट किए जा रहे हैं इलीगल हंटिंग्स हो रही है तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है तो यही था आज का लेक्चर आपके लिए क्वेश्चन है बताया ये मैंने आपको अभी बटरफ्लाई किस इंसेक्ट ऑर्डर से बिलोंग करती हैं एपिडे लैपिडो पटेरा पटेरा एपिडोटेरा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे पार्टिसिपेट कीजिए आंसर आपको सही पता चल जाएगा कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो विजिट कर सकते हैं वेबसाइट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ईएमआई एम भी कोर्सेस अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच